अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार और दोबारा से ख़तरनाक हमला हुआ है लेबनान पे, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है कुछ कालाकांडी करके और ये ख़तरनाक हमले हो रहे हैं। जितने भी जीसीसी नागरिक हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है, वीजा फ्री एंट्री एक देश दे रहा है अपना पड़ोसी। और इंडिया में जो है मोबाइल वैन, यानी जो है ना जो गाड़ी रहेगी, गाड़ी आपके घर तक या आपके ज़िला तक पहुँचेगी, उसके थ्रू आप जो अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा सकते हैं, पासपोर्ट का अगर आवेदन है तो। और भी सऊदी अरब की जरूरी खबरें इस वीडियो में रहेगी, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट समझ में आए। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूँ मिडिल ईस्ट के एक सबसे खतरनाक और वार जोन की, जो लेबनान इस समय बना हुआ है। इसराइल को लेकर के चारों तरफ जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ पे हालात एकदम गर्म है। कभी भी ऐसा लग रहा है कि ख़तरनाक वार हो सकता है। कई जो दुनिया की फ़्लाइटें हैं जो तेल अवीव जाती हैं या लेबनान के बेरूत में जाती हैं, उनको कैंसिल किए गए। अपने इंडिया से भी एयर इंडिया की जो फ़्लाइट जा रही थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जब तक आगे की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट नहीं आती है, अनिश्चितकाल के लिए उसको बंद किया गया है। एक ख़तरनाक से दोबारा और समझिए एक तरह का अटैक लेबनान पर हुआ है। ये अब जो अटैक हुआ है, ये वॉकी टॉकी जो होता है, एक वॉकी टॉकी एक डिवाइस होती है, वो ब्लास्ट हुई है। उसमें 20 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हैं, मतलब सैकड़ों लोग जो है घायल हैं, दर्जनों लोग जो है क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। मतलब इससे पहले जो हमला हुआ था, आप लोगों को मालूम है, कोई पेजर डिवाइस में हुआ था। पेजर डिवाइस ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो है कुछ उसमें जो विस्फोटक चीज़ें होती हैं वो लगाई गई थी। इसमें हाथ जो है मुसाद का बताया जा रहा है, यानी इसराइल का बताया जा रहा है। दूसरी बार जो अभी जो वॉकी टकी की डिवाइस होती है उसमें ब्लास्ट हुआ। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं अब लोग लेने से वहाँ पे भी या कहीं भी अब डर रहे हैं और डरेंगे कि भाई ये कब कैसे और किस तरह से ब्लास्ट हो सकते हैं। यानी हर आदमी एक चलता फिरता बम है। अब किसी के पास वॉकी टाकी है, कोई भीड़ भाड़ में या कहीं भी जा रहा है, कहीं ब्लास्ट हो गया, अपने तो मरेगा, दूसरे लोग भी घायल होंगे, या किसी के पास जो है पेजर है तो ऐसे हो रहा है वहाँ पे, तो हालात जो है ख़तरनाक हो गए हैं, एकदम टेंशन का माहौल है। बात करते हैं सऊदी अरब की ज़रूरी खबरों की। सऊदी अरब के बॉर्डर गार्ड ने जो है जिद्दा रीजन में एक शख्स को बचाया। जो शख्स जो है समुंदर में तैराकी कर रहा था, तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डूबने लगा। उसको बचाने के लिए जो वहाँ पे स्विमिंग गार्ड रहते हैं, जो घूमते रहते हैं, उन लोगों ने फिर उसको देखा और उसको बचाया, तो उसकी जान बच गई। तो अगर आप लोग भी गैर मुल्की हैं और जाते हैं जिद्दा साइड में, समुंदर है वहाँ पे भी, दमाम में है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, नहाने लगते हैं, तो ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर जाते हैं और आप डूबने लगते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। तो गनीमत है कि वो लोग हमेशा घूमते रहते हैं जो वहाँ पर बॉर्डर गार्ड हैं, और वो लोग बचा लेते हैं। सऊदी नागरिक और जितने भी जीसीसी कंट्री हैं वहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब वो लोग जो है वीज़ा फ्री एंट्री, यानी बिना वीज़ा के जो है पाकिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। खाली उनको टिकट बनाना होगा और पाकिस्तान में जो है वो एंट्री कर सकते हैं। कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान ये अनाउंसमेंट किया है, वो अपने वहाँ जो है कि जो भी जीसीसी के बिजनेसमैन हैं या वहाँ के जो लोग हैं इधर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या इंडिया भी ऐसा करने वाला है? क्योंकि इंडिया आने के लिए चाहे जीसीसी कंट्री को चाहे कहीं के भी, उनको जो है वीज़ा अप्लाई करना होता है, पहले से वो वीज़ा स्टैम्प कराते हैं फिर आते हैं। ई वीज़ा की भी सहूलियत नहीं है, तो हो सकता है कि जीसीसी वालों को, क्योंकि इंडिया की भी अच्छी खासी जो है पकड़ है और अच्छा खासा वहाँ पे बनता है उन लोगों से, तो हो सकता है उनके लिए कहीं आने वाले दिनों में इंडिया भी ऐसा कुछ कर दे, देखा जाए कि भाई पाकिस्तान ने जब वीज़ा फ्री एंट्री दिया है तो हम भी वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। अगर ऐसा होता है तो बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। नेशनल डे के नाम पर जो लोग डिस्काउंट निकालेंगे सऊदी अरब में, उनको फ़ाइन लगाया जाएगा। बिना ऑफिशियल लाइसेंस के, बिना ऑफिशियल परमिशन के जो है, अगर कोई भी शॉप वाला, कोई दुकान वाला, कोई मॉल वाला ऑफर लगा देता है कि भैया इतना परसेंट डिस्काउंट है, तो उन लोगों के ऊपर जो है जुर्माना लगेगा। 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना लग सकता है, 3 साल तक की जेल हो सकती है, और उनको डिफेम में किया जाएगा कि ये मतलब फर्जीवाड़ा करके ये लोग जो है, या बिना परमिशन के ये लोग जो है डिस्काउंट निकाल रहे हैं। वो डिस्काउंट निकाल रहे हैं उससे फ़ायदा पब्लिक की होती है, लेकिन डिस्काउंट निकालने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। ये है सऊदी अरब का काम। जितने भी बाइक राइडर हैं सऊदी अरब में, उनको जो है मुरूर वाले जो ट्रैफिक वाले, वो लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। हिडन पुलिस होती है, हिडन सेक्रेट ट्रैफिक पुलिस, वो लोग जो है चुपके से लोगों पे नज़र रखते हैं कि कौन से कैसे हैं। और वो लोग जो है ख़ास करके नज़र रख रहे हैं बाइक राइडर पे, कि ये लोग किस तरह के वायलेशन कर रहे हैं, कैसे दूसरों की जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं वो लोग सऊदी अरब के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में पकड़ रहे हैं। और कई लोगों में इसमें ये फ़ाइन भी बताया गया कि जो लोग बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं 300 से लेकर 900 रियाल तक का फ़ाइन लगेगा, और जो लोग भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं उनको भी फ़ाइन लगेगा। ये सब चीज़ें फ़ाइन का प्रावधान बताया गया, ये तो अलग है, तो फ़ाइन तो लगता ही वहाँ पे, लेकिन जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं खतरनाक तरीके से उनको जो है पकड़ा जाएगा।
जो लोग अपनी लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में गाड़ी लेके चले जाते हैं, जो लोग जो है बिना इंडिकेटर के इधर उधर गाड़ियां मोड़ देते हैं या बिना आगे पीछे ध्यान दिए कहीं से भी टर्निंग लेने की या घुसने की कोशिश करते हैं, उन सब लोगों की निगरानी की जा रही है और ऐसे बाइक राइडर को पकड़ा जा रहा है, गाड़ियां जब्त हो रही हैं और उनको भी फाइन लग रहा है। और एक और चीज़, अगर आप जो है तफरी करने का बड़े शौकीन हैं, कहीं जाते हैं मजाक मस्ती वगैरह करते हैं, तो पब्लिक प्लेसेस में जो है सऊदी अरब के, अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ें कर देते हैं या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे अपनी बातों से या लड़ाई से या गाली गुलूच करते हैं या फिर पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे आप गए और किसी भी तरह का प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मतलब मस्ती मजाक वाली चीज़ों में, तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। कई लोग जाते हैं और तफरी करते हैं, किसी को डराने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो अशोभनीय होती हैं, लोग जो है उसका बुरा मान सकते हैं। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें अगर आप सऊदी अरब में पब्लिक प्लेसेस में करते हैं जिससे किसी का नुकसान हो, रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है नुकसान पहुँचे, तो ऐसे लोगों को जो है पकड़ा जाएगा और पकड़ के उनको 5,000 रियाल तक का फाइन लगेगा। मतलब किसी भी विजिटर को जो पब्लिक प्लेसेज में है उनको आप किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, चाहे वर्बली, चाहे फिजिकली, चाहे आपने किसी भी इरादा से या गैर इरादतन जो है कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर दें जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता हो, तकलीफ पहुंचती हो, 5,000 रियाल का फाइन जो है लगाया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ये बताया है। सऊदी अरब की जजान पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को अरेस्ट किया है। ये बांग्लादेशी नागरिक एक माइनर लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था और उसमें जो मोलेस्टेशन के जुम्मे इनको पकड़ के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। इसमें केसेस जो है लंबे चलते हैं, लोग जो है कुछ गंदी हरकतें करने लगते हैं, फिर भी बाज नहीं आते। वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि आप जितने भी पासपोर्ट आवेदन करने वाले जो इंडिया में लोग हैं, नया पासपोर्ट बनाने के जो एप्लीकेशन देते हैं, उनके लिए एक नया जो है स्कीम चल रहा है। वो लोग जो उनके घर तक या उनके जिला तक जो है मोबाइल वैन जाएगा जो कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। अब उनको पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जिला में रहेंगे, वहीं पर जो है जाके जो भी उनका अपॉइंटमेंट रहे शो करके सारे प्रोसेस करा के अपने घर आ सकते हैं। ये कैसे होगा और कहाँ पर होगा? ये उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी जो ज़िले हैं, जो वेस्टर्न यूपी हैं, जो गाजियाबाद के अंतर्गत में 12, 13, 14 जिला आते हैं, तो इन 13 जिले के लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये बताया गया है कि जो मोबाइल वैन होगा, ये मोबाइल वैन जिस जिला में जाएगा उससे पहले वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अथॉरिटीज़ के द्वारा कि ये वैन फला डेट को फला तारीख को इस लोकेशन पे आ रहा है, तो वहाँ लोग अपना आवेदन लेके जाएंगे और पहुँचेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्टर्न यूपी के लोग जो है भर भर के पासपोर्ट बनवा रहे हैं, एक दिन में 2,000 से ज़्यादा लोग जो है पहुँच रहे हैं एक एक सेंटर पे और वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए सेंटर तो है ही है, उसके बाद से जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे भी पासपोर्ट ऑफिस बोल रहा हूँ, जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस पे भी लोग जाके आवेदन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, तो वो भी सुविधा थी। लेकिन अब एक ये अलग से सुविधा हो गई है खाली वेस्टर्न यूपी में मोबाइल वैन वाली, यानी पासपोर्ट सेवा की तरफ से एक मोबाइल वैन आएगी, उसमें सारे प्रोसेस आपके होंगे और आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा इतने तारीख का। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे यूपी में फैलाया जाए, अभी ये एक समय ये ट्रायल तरह की चीज़ें हो रही हैं और वेस्टर्न यूपी में ही हो रही है। आज की वीडियो का तो यहाँ समाप्त, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।